हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले आपको राधा और कान्हा जी के दर्शन करवाते हैं और उन्हीं के साथ आपको विश करते हैं दीपावली। तो आप सबको हमारी सबकी तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान करे, कान्हा जी करें, आपकी पूरा आपका आने वाला वर्ष जो है खुशियों से भरा रहे। अब नेक्स्ट राउंड हम लग गए थे अपनी क्लीनिंग में रूम की, तो अपना फाइनल क्लीनिंग हो चुकी है रूम की एंड बाथरूम वगैरह क्लीन हो गए हैं, बाहर से सारा क्लीन हो गया। तो मैंने बेडशीट ये बिछा दी है अपने बेड पर, अपने जगाधरी वाले घर में ऊपर रूम में हूँ मैं अपने, और यही इसकी क्लीनिंग की है आज मैंने, डीप क्लीनिंग की है बहुत ज़्यादा। ये इधर ड्रेसिंग रूम है और ड्रेसिंग रूम के अंदर है वॉशरूम, तो चलिए आपको वॉशरूम भी दिखाती हूँ। अभी मैंने आपको ना अभी इस चैनल पर टूर नहीं करवाया है ये मम्मी के घर का, तो दिखाएंगे, जल्दी दिखाएंगे। अभी तो मिस्त्रियों का काम चल रहा है, तो मिस्त्रियों के काम की वजह से ना रेत सीमेंट बहुत था सारे घर में, तो किसी दिन कंप्लीट हो जाने दीजिए। पहले भी थोड़ा सा रह गया है, देखिए बाहर की रेलिंग वगैरह, तो जैसे ही कंप्लीट होता है फिर मैं आपको आपके साथ शेयर करती हूँ। थोड़ा सा बाहर से लुक दिखा देते हैं। और पीहू ने कल कंपटीशन में बनाई थी तोरण, ये ग्लास वाली, तो ये देखिए हमने यहाँ पर ये अपने मंदिर में जो है हैंग कर दिया। मम्मी ने ये डेकोरेट कर दिया था मंदिर एंड थोड़ा बहुत तो करते ही हैं। और इस बार हम जगाधरी में ही मनाने वाले हैं दीपावली, गांव में नहीं जाएंगे। अमावस की पूजा करने के लिए जाएंगे, वो दिवाली वाले दिन ही जाएंगे, मतलब जिस दिन आप ये व्लॉग देख रहे हो उस दिन ही जाऊंगी, और बाकी सेलिब्रेशन जो होंगी हमारी जगाधरी में ही होगी। सोचा तो था गाँव में जाने की लेकिन हम गए नहीं। और अभी ना आरव और आ गए हैं, उन्होंने आज ही आना था, तो अभी मैं नीचे चलती हूँ। देखिए और ये आए थे तो पीहू गई थी पार्टी में, फिर पीहू को लेने के लिए चले गए थे, और उसके बाद ना हम मामा जी के घर गए थे। वहाँ पर था मामा जी का ना आज मंथ पे करते हैं जैसे मंथली था, तो वहाँ गए थे। और फिर अभी घर आए, बच्चों की ज़िद थी पटाखे लेने की, और तो ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं इस बार दिवाली पर। मामा जी एक्सपायर हो गए हैं, मैंने बताया था वीडियो में, तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़े वाली सेलिब्रेशन तो नहीं है, लेकिन बच्चों का मन रखने के लिए थोड़े बहुत क्रैकर्स जो हैं वो ले आए हैं। और इन्होंने बस ये छोटी दिवाली वाले दिन ही स्टार्ट कर दिए हैं, हम ना आते आते ही रास्ते में से लेकर आए थे, और मतलब पूरा दिन ही हमारा बाहर ही निकल गया, मामा जी के घर ही लग गया है मतलब, तो रात को ही घर आए थे। और ऑर्डर्स वगैरह मुझे लेने थे, थोड़े से पेंडिंग थे, वो मैं नहीं ले पाई। यहाँ पर ये देखिए बच्चे फुलझड़ी जला रहे हैं, उससे पहले पटाखे वगैरह ये थोड़े से जो हैं छुटा चुके हैं छोटी दिवाली पर ही, और इनको जब आवाज़ सुनती है ना कि ये देखो वो भी छुड़ा रहे हैं, हमें आज ही छुटाने हैं, तो मैं बोल रही थी कि आज ही ख़त्म कर दोगे तुम तो ऐसे ही सारे के सारे, क्योंकि जब कंटिन्यूसली स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर रुकने का नाम नहीं होता। तो चलिए अब अंदर चलते हैं थोड़ी देर। कैमरा मैन है यहाँ पर आरव, मैं कपड़े प्रेस कर रही थी क्योंकि मेरी प्लानिंग थी आज शाम को ही जाने की, बट वही कि प्लानिंग जो होती है वो तो कभी पूरा होता ही नहीं है। पीहू देखिए फ़ोन देख रही है, और आरव की ना यही हैबिट है, बस वो चलते फिरते छेड़ देगा मतलब जो भी आसपास बैठा हो, और जैसे पीहू और रद्दू को तो वो ज़्यादा ही छेड़ता है। आरव रिकॉर्डिंग कर रहा है तो अभी बाहर दिखा के आता है कि बाहर क्या कर रहे हैं। मम्मी और भाभी हैं किचन में, वो खाना बना रहे हैं दोनों, और ये देखिए अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मम्मी आटा गूंद रहे हैं, भाभी उधर सब्जी बना रहे हैं। मुझे नहीं पता था यहाँ पर क्या क्या चल रहा है, मैं तो बस प्रेस करने में लगी हुई थी। और इधर से हेलो एवरीवन, अरे बोलना एक बार हेलो एवरीवन। अच्छा यहाँ पर बन रही है दऊ दऊ मकाई की रोटी।
दोनों मक्खी की हैं। ये सेक्सी नहीं है, ये प्रोफेशनल है, ये नॉन प्रोफेशनल है। ये प्रोफेशनल है मक्खी की रोटी और साग बनाने में। आप ये गड्डी नहीं खा सकता? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अच्छा बच्चा हूँ। अच्छा अच्छा मकई की रोटी बन रही है। वाह, आलू गोभी मेरा फेवरेट साग, मकई की रोटी मेरा फेवरेट। फोटो में तो अच्छी लगती है, फोटो में सारी चीजें ठीक काम है। मकान कितने पुराने थे, पुराना हो ना, बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगा। एक्सपर्ट हाथ पे बना देती है रोटी। क्या हुआ छोटा, आपका तो होटल में शेफ होना चाहिए ना। अभी बनी मेरी रोटी, रोटी बनी। बुला पापा ने तो खावा पहले। मैं तो दो लूंगा मक्की की रोटी, ले ली तो वो बना दूंगी, वो भी बना दूंगी। पापा कहाँ? आपा पता नहीं, ये देखो बंदरियों का डांस। तो ये आ चुका है अभी खाना, ये मेरा है तो अभी इसको खाएंगे। बाय बाय। जन गण मन सुनाओ। चलो ले चप्पल पहन ले अपनी, ये चप्पल पहन ले, चप्पल अदू सुनाओ, फिर टेंट हाउस दिखाऊंगी आपको फोन में। सीधी सीधी पहन अदू, ये ऐसे टेंट हाउस दिखाएंगे फिर। चलो यस मैं यस अदू सुना दो अंबूर बुआ से दोबारा से। उल्टी है अदू, उल्टी खराब है वरना पटा। ए बस चलो बस सुनो, इधर मुंह कर लो बुआ की तरफ जोर से। दादी को हिंदी पोएम सुना दो। बेड तो फ्रेंड्स उस दिन हम मार्केट गए थे तो ये वाला हम कंफर्टर लेके आए थे आजकल के लिए, जैसे आजकल की ठंड में हल्का फुल्का सा, और मतलब ब्लैंकेट ही यही एक तरीके से। मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला ना, कलर भी बहुत अच्छा है और सेकंड थिंग हमारी बेडशीट के साथ भी मैच कर गया है।
हेलो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आज ना हमें जाना था गांव में, लेकिन हम ना गए ही नहीं। रीज़न, हम यहाँ इतने बिजी हो गए कि 10 बजे चलेंगे, तब तक के पीहू के पापा जी सो गए। अब प्लानिंग थी कि सुबह सुबह उठ के जाएंगे, देखते हैं उठा जाएगा या नहीं उठा जाएगा। प्लानिंग है तो पीहू तो नहीं जाएगी, हमें जाना है और देखते हैं जाया जाएगा या नहीं जाया जाएगा, मतलब उठा जाएगा कि नहीं। सुबह सुबह जाने की प्लानिंग तो है। और आज ना हमारा व्लॉग जो है कंप्लीट तो हुआ है, आरव ने किया है कंप्लीट काफ़ी हद तक। आई होप कि अच्छा बना होगा। मैं एडिटिंग बाद में ही करूँगी, ये वीडियो तो मैं पहले ही एंड कर रही हूँ। तो अगर अच्छा बना होगा और आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अपना कम्फर्टेबल सेट कर रही हूँ, कम्फर्टर। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नई दिवाली वाली वीडियो में, दिवाली वाले दिन की। आज ये व्लॉग था छोटी दिवाली का, तो अब हम मिलेंगे आपको बड़े दिवाली वाले व्लॉग में। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।